नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल कोरोना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रिय हरियाणा वासियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक जरूरी सूचना, आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा और यदि आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट में आप तक सबसे पहले पहुँचा पाऊँ। आज सबसे बड़ी राहत हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिले के लिए, जहाँ पर अब कोरोना की काफ़ी हद तक ब्रेक लगती हुई नज़र आ रही है और पूरे हरियाणा में कोरोना की जो रफ्तार है वो अब थम चुकी है। और यही वो रिपोर्टें थी जो सबको विचलित कर रही थी, परेशान कर रही थी कि किस तरीके से हर जिले से रोज़ाना सैकड़ों केस आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। चूँकि हरियाणा में कोरोना को मात देने वालों की संख्या में बेहतराशा बढ़ोतरी के बाद हरियाणा के रिकवरी रेट में सुधार हो गया है और अब हरियाणा का रिकवरी रेट करीब 93% पर जा पहुंचा है। वहीं पर पहली बार ऐसा करीब पिछले 25 से 30 दिनों के बाद देखने को मिला है, जब 100 से कम कोरोना की जो मौतें हैं एक दिन में हुई है। वहीं पर सबसे छोटा आंकड़ा आज मिला है, जहां पर 5021 केस पॉजिटिव पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के अनुसार पाए गए हैं और इसकी तुलना में दोगुना से भी ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, यानी 11,327 मरीजों ने कोरोना से जंग जीते हुए घर वापसी की है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत ये तीनों ऐसे NCR के ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आते थे, लेकिन अब यहाँ का रिकवरी रेट के मामले में पूरे हरियाणा में सोनीपत एक नंबर पर है, जिसका 96% से ज़्यादा का रिकवरी रेट है। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है और तीसरे नंबर पर गुरुग्राम है। दरअसल यहीं से सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती थी, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद दिल्ली से सटे होने के नाते यहां पर सबसे ज़्यादा केस आते थे, लेकिन अब लगातार ठीक होने वालों की तादाद बढ़ने से यहां का रिकवरी रेट है वो एक शानदार जो बिंदुओं पर जाकर खड़ा हुआ है। और पिछले 24 घंटों में ठीक होने वालों की कुल जो संख्या है हरियाणा में वो 6,78,220 पर पहुंची है और अब तक हरियाणा में 7,33,628 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चलिए हरियाणा के 22 जिलों का रुख करते हैं, कहां पर किस तरीके की स्थिति है। गुरुग्राम में 516 केस पॉजिटिव मिले हैं, यहां पर भी पहली बार हुआ है। फरीदाबाद में 228 केस मिले हैं, यहां पर भी कई दिनों के लंबे अंतराल के बाद सबसे कम केस मिले हैं। सोनीपत में 247, हिसार में 885, अम्बाला में 176, करनाल में 199, पानीपत में 119, रोहतक में 296, रेवाड़ी में 260, पंचकूला में 155, कुरुक्षेत्र में 109, यमुनानगर में 205, सिरसा में 258, महेंद्रगढ़ में 191, भिवानी में 190, झज्जर में 384, पलवल में 130, फतेहाबाद में 192, कैथल में 81, जींद में 148, नूह में 20 और चरखी दादरी में 32 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हरियाणा में सबसे कम एक्टिव केस अगर कोई ज़िला है तो वो है, जहां पर सबसे कम एक्टिव केस है वो 235 के साथ नूह और चरखी दादरी में 418 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। वहीं पर कैथल में 713 लोगों का इलाज चल रहा है, 1,070 मरीजों का इलाज झज्जर में चल रहा है, पलवल में 607 मरीज अभी भी उपचारधीन हैं। बाकी सब जिलों में भी हालात बहुत सामान्य हैं और गुरुग्राम में सिर्फ 7,000 केस रह गए हैं, 3,212 केस अब सिर्फ फरीदाबाद में रह गए हैं, 1,500 के करीब सोनीपत में रह गए हैं। अब आपको बताते हैं किस ज़िले से कितने लोग ठीक हुए हैं। गुरुग्राम से फिर लगातार 5वें दिन लगातार रिकॉर्ड तोड़ मरीज ठीक हुए, यहाँ से 3793 को डिस्चार्ज किया गया है। फरीदाबाद से 661 मरीज ठीक हुए, सोनीपत से 621, हिसार से 979 मरीज ठीक हुए हैं, अम्बाला से 352, करनाल से 484, पानीपत से 390, रोहतक से 341, रेवाड़ी से 276, पंचकूला से 282, कुरुक्षेत्र से 169, यमुनानगर से 321, सिरसा से 490, महेंद्रगढ़ से 408, भिवानी से 143, झज्जर से 434, पलवल से 321, फतेहाबाद से 331, कैथल से 126, जींद से 247, नूर से 33 और चरखी दादरी से 125 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पर 98 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज़्यादा मौतें 9 गुरुग्राम में, 6 फरीदाबाद में, 4 सोनीपत में, 9 हिसार में, अम्बाला में 7, करनाल में 7, पानीपत में 6, रोहतक में 4, रेवाड़ी में 6, पंचकूला में 3, कुरुक्षेत्र में 3,
यमुनानगर में 2 लोगों की जान गई है, सिरसा में 3, महेंद्रगढ़ में 3, भिवानी में 4, झज्जर में 5, पलवल में 2, फतेहाबाद में 3, कैथल में 4, जींद में 4 और नूह में 2 और चरखी दादरी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कुल 52,56,988 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। 1191 मरीज अभी भी दाखिल हैं, जिनमें से 299 वेंटिलेटर पर हैं, 892 ऑक्सीजन पर रखे गए हैं और लगातार हरियाणा के रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। और वहीं पर देखें तो पूरे देश के बाद दुनिया की बात करें तो अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, तुर्की, रूसिया, ये ऐसी जो कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के जो पेशेंट हैं वो मिल रहे हैं। जहां तक भारत की बात करें तो भारत में अब तक 2,95,525 मौतें हो चुकी हैं, साथ ही 2,62,89,290 जो केस हैं वो अब तक इफेक्टेड पाए गए हैं। और पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो 34,25,017 मौतें हुई हैं अभी तक पूरी दुनिया में। और वहीं पर अब हरियाणा का 22 मई के बाद का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9 पॉइंट पर है और वहीं पर जो रिकवरी रेट है वो 92.45% पर जा पहुंचा है। कुल 54,538 लोगों के सैंपल लिए गए थे और जिनमें से अभी तक जो घरों में मेरा जो होम आइसोलेशन मरीज है उनकी संख्या 41,668 रहेगी। तो आप सभी से गुजारिश है, हम कोरोना की जंग जीतने के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं, आप सभी से गुजारिश कोरोना से एहतियात के तौर पर मास्क पहने, जितना हो सके घर पर रहें। बस अब कुछ दिनों की बात और है, जब हारेगा कोरोना जीतेगा हरियाणा। और अब हरियाणा के तमाम जिलों की अगर हम बात करें, चाहे आप कैथल, फतेहाबाद की बात करें, नूह की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब लगभग कोरोना से मुक्त होने वाले ज़िले हैं। और हरियाणा के ऐसे 5 से 7 ज़िलों की स्थिति ये बता रही है कि बहुत जल्द ये ज़िले कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार तेज रहना के साथ बने रहिए।